अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? सोच रहे होंगे आज बहुत दिन हो गए, कहाँ चली गई। तो आज मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाने वाली हूँ कि इन कप को थोड़ा अरसा गुजर जाए, मगे या जो कप होते हैं या प्लेटें होती हैं, यहाँ पे इनको कुंडे ब्रशी से थोड़े अरसे के बाद साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि मैल जमना शुरू हो जाती है या अंदर से इन्हें दाग शुरू हो जाते हैं। इनको तो इतने नहीं है कि अभी मैं एक हफ़्ता हुआ है इनको ऐसे पानी में डालकर इनको उबाल किए हुए, जैसे तो पानी में डालकर इसको 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए उबालें तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल नए आज ही लाए। तो ये कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते के बाद इनको प्लेटों में या कप जो होते हैं मग्गे होते हैं इनके, यहाँ पे इनको मैल जमना शुरू हो जाती या अंदर इन्हें दाग से बन जाते हैं। तो ये आसान तरीका है, इतना सा सर्फ जो सूप पाउडर है ये डालें पानी में, यहाँ पे डाल देती हैं इसको। तो अच्छा हांडी जो है, अब अगर आप दूसरी इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह की, तो इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट भी साथ में डाल दीजिएगा, वरना ये हांडी जो है काली हो जाती है सूप पाउडर के साथ, तो फिर वो उसको भी साफ़ करना पड़ता है। तो मैं तो ये स्टील की इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके लिए ये अंदर से ख़राब नहीं होगी। ये इस तरह मैं इन कप्स को अंदर इसके डाल दूँगी एक एक करके, प्लेटें हों कप हों जो भी हों, जो मिट्टी के या चीनी के जो होते हैं। तो ये इस तरह 10 मिनट के लिए उबाल लें या 15 मिनट के लिए, तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे नए भी लाए। तो इनको आपको ब्रशी से कुंडे वगैरह जो है साफ़ नहीं करने पड़ते, इस तरह अच्छे। पानी थोड़ा सा कम हो तो थोड़ा और डाल दीजिएगा। मैं इसको 10 से 15 मिनट तक उबाल कराऊंगी, गैस को जो है आंच को धीमी कर दूंगी, स्लो कर दूंगी, तो 10-15 मिनट के लिए उबालूंगी, फिर इन्हें निकाल कर साफ पानी से वॉश कर दूंगी, ये बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसे हैं। ये वैसे भी इतने ख़राब नहीं हैं, लेकिन कभी कभी होता है जैसे ख़राब हो जाते हैं 2 हफ्ते के बाद, ज़्यादा उन्हें दाग हो जाते हैं अंदर या कुंडों में, उनके जो होते हैं कुंडे वगैरह होते हैं उनमें मैल जमना शुरू हो जाती है। तो मैं सोचा कि आज इसकी वीडियो में डाल दूँ, आज आप लोगों को ये दिखा दूँ कि आसानी से इस तरह बहुत अच्छी तरह प्लेटें और मग्गे जो कप हैं ये अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं इस तरह पानी में उबालने से। तो आज मैं सोचा ये टिप आप लोगों को दे दूँ। तो चलिए थोड़ी देर के बाद दिखा। तो व्यूअर्स, ये मैं कप निकालूंगी तो फिर ये जो रोटी वाली जो दज्जियाँ होती हैं जिनमें रोटी हम रख लपेटते हैं, इनको भी मैं इसी तरह 15 मिनट के लिए मैं यहाँ हांडी में डालकर 15 मिनट के लिए उबाल लूँगी, क्योंकि इनकी ये जो होती है वाइट धारी होती है ये वैसे इतनी अच्छी तरह साफ़ नहीं होती हाथों से जब धोई जाती, तो ये हमेशा ये तकरीबन 10-11 साल पुरानी है। इसको इस तरह करने से ये कभी भी इसकी ये जो है ये सालन वगैरह वो कहीं भी लगता है या कोई भी दाग लगता है इस तरह का, तो ये इस तरह 15 मिनट के उबालने से पानी में पाउडर में तो ये अच्छी तरह साफ़ हो जाती है, बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है जैसे आज ही नई लाए, इस तरह से हो जाती है। कप निकालूंगी तो इनको मैं 15 मिनट के लिए पानी में डाल दूंगी तो ये अच्छी तरह हो जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी। जो भी मैं 2-3 रखी होती हैं तो उनको मैं इस तरह काट देती हूँ कुछ 2-3 हफ्ते के बाद, तो ये फिर ख़राब नहीं होती इनका, ये जो सफ़ेद पार्ट है ये ख़राब नहीं होता। तो इसको भी कर सकते हैं, मैं ये दिखाना चाहती थी कि इसको भी इस तरह, वैसे भी रोटी वाली दज्जियों को इस तरह साफ़ करने से बहुत अच्छा होता है कि हाथों से हम साफ़ करते हैं तो आसानी से, यहाँ पे हांडी में डालेंगे तो ये उबालने से बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो जाती है। तो व्यूअर्स, मैंने कप निकाल दिए हैं, ये देखें ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह साफ़ हुए, यहाँ पे कोई इनमें दाग नहीं रहा। ये पीछे से भी देखें ये कितने अच्छी तरह साफ़ हो गए। दे थोड़े अरसे के बाद ये थोड़ा सा पीलटा जो येलो सा हो जाता है ये हिस्सा,
यहाँ पे दरगाह में जैसे मैल वगैरह जमना शुरू हो जाती, तो इस तरह ये सब बहुत ही अच्छी तरह साफ़ हुए। अब मैंने धज्जियाँ डाल दी हैं। अच्छा, मैंने पानी और डाला है, वो ही नहीं, सूप पाउडर भी और डालना पड़ता है क्योंकि उसमें कोई असर नहीं होता, वो अच्छी तरह फिर साफ़ नहीं करता। तो ये इस तरह से बहुत ही अच्छे साफ़ हुए हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इनको इसके बजाय के बुरशी से, ऐसे बुरशी से करते रहो, तो ये इस तरह कर लें तो ये सारे अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं। इनका ये हिस्सा भी जो है बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ होता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। धज्जियाँ भी बहुत ही अच्छी तरह साफ़ होती हैं, जो रोटी वाली होती हैं उनको मैंने पानी में आप डाल दिया है, वो 15 मिनट के लिए उबालूँगी। आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब ओवन के ग्लाफ हैं, वो जो ग्लाफ हैं वो बहुत ही अच्छी तरह साफ़ होते हैं इस तरह करने से, क्योंकि उन्हें भी थोड़े अरसे के बाद दाग वगैरह हो जाते हैं, तो वो भी इस तरह करें तो बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं याद रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स, ये दो धज्जियाँ वगैरह हैं, ये भी अच्छी तरह साफ़ हो गई हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त साफ़ हुई हैं। 15 मिनट मैंने पानी में उबाली हैं सोप पाउडर में, तो ये बहुत ही अच्छी तरह साफ़ हुई हैं। तकरीबन 10-11 साल पुरानी है, लेकिन देखें ऐसा लगता है जैसे आज ही ली है। ये हमेशा इसी तरह रहती है, ख़राब नहीं होती अगर इस तरह इसको धोया जाए तो। इसका बिल्कुल कलर वगैरह भी कुछ नहीं इस तरह से जाता। ये बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हुई हैं यहाँ से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।